Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. In today's class, we'll see some sentences. Sentence formation is very very important. So here we'll see some sentences. कुछ हम sentence देखेंगे यहाँ पे, कुछ उसमें fill up the blanks है, उन blanks को हम fill करेंगे. ये एक noun भी हो सकता है, adjective भी, verb भी, prepositions भी, तो सब mixed है. Vocab की भी अच्छी practice होगी, sentence formation भी होगा, तो हम देखेंगे इस class में. तो चलिए शुरू करते हैं आज की class. कुछ fill up the blanks हम करेंगे, देखिए. गुटन टाक जिस प्रेशन मिट फ्राउ वर्मा, ये कॉन्वर्सेशन है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन. सो कस्टमर एंड कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, एक कस्टमर है और एक कंपनी रिप्रेजेंटेटिव है, दोनों टेलीफोन पे बात कर रहे हैं. बोथ स्पीकिंग ऑन टेलीफोन एंड दे आर टॉकिंग, ओके. उसी से रिलेटेड ये एक डायलॉग फॉर्म में लिखा है मैंने, तो फिल अप द ब्लैंक्स है वो भी कंप्लीट करेंगे. तो कॉन्टेक्स्ट यू शुड कीप दिस इन माइंड दैट इट्स अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन बिटवीन कस्टमर एंड कंपनी रिप्रेजेंटेटिव. एक टेलीफोन पे कॉन्वर्सेशन हो रही है, बात हो रही है जर्मन में, तो एक तरफ कस्टमर है, ठीक है, और एक तरफ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है. कौन सी कंपनी है, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम देखेंगे, पढ़ के हमें पता लग जाएगा. तो लेट्स बिगिन. गुटन टाक जिस प्रेशन मिट फ्राउ वर्मा. गुटन टाक हम बोलते हैं, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं हम ऐसे ही करते हैं. अगर आफ्टरनून है तो गुटन टाक, मॉर्निंग है तो गुटन मॉर्गन. तो यहाँ पे गुटन टाक, हैव अ गुड डे, यू आर टॉकिंग विद मिस वर्मा, ऐसे ही हम बोलते हैं जब हम टेलीफोन पर बात करते हैं, ठीक, कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो ऐसे ही हेलो गुटन टाक जिस प्रेशन मिट फ्राउ वर्मा. वी कानिश हेल्फन, अब इसमें क्या आएगा ब्लैंक में, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, कैसे बोलेंगे जर्मन में. वी कानिश, अब यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, वन वर्ड इज मिसिंग, सो वट इज दैट वर्ड, यू हैव टू फाइंड आउट वट इज द वर्ड. सो उससे पहले आपको वर्ब पता होना चाहिए, वट इज द वर्ब हेयर, हेल्फन. तो हेल्फन इज अ डाटिव वर्ब, हेल्फन डाटिव है, तो क्या आएगा एक्चुअली इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, ठीक है. आप मिस वर्मा से बात कर रहे हैं, जी एक्सप्रेशन मिट फ्रॉ वर्मा, वी खानिश ईनन हेल्फन, ठीक है, फॉर्मल होगा तो ईनन आएगा, वी खानिश ईनन हेल्फन, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, बताओ. होता है ना हेल्प डेस्क होता है जब हम जाते हैं, तो यहाँ पे टेलीफोन पे भी वैसे ही बात कर रहे हैं. ओह इश मिस्टर आइगेंटलिश फ्राउ अग्रवाल एक्सप्रेशन, तो व्हाट द पर्सन इज सेइंग, जो दूसरी तरफ पर्सन है, कस्टमर है, वो क्या बोल रहे हैं, ओ मुझे तो मिस अग्रवाल से बात करनी है. ओ इश मिस्टर आइगेंटलिश फ्राउ अग्रवाल, फ्राउ आई वॉन्ट टू स्पीक विद मिस अग्रवाल. सो विद के लिए क्या होगा, एक्सप्रेशन के साथ क्या आता है, फिक्स प्रपोजिशन, आपको पता है दिस इज अबाउट फिक्स प्रपोजिशन. सो एक्सप्रेशन प्लस मिट, दिस इज मिट, आई वॉन्ट टू स्पीक विद मिस अग्रवाल, एक्चुअली I can teach. Actually, मुझे तो मिस अग्रवाल से बात करनी है, मिस वर्मा से नहीं. फिर आबर फ्राउ अग्रवाल इज सोरसाइट निस्ट हाउस जी इस्ट बिस मॉर्गन आउ फाइनल फोर्ट बिल्डिंग. अभी देखते हैं क्या बोल रहे हैं, रिप्लाई क्या है. ओ बस मिस अग्रवाल अभी हाउस में नहीं है, इम हाउस मतलब घर पे, ऐसी बात नहीं, घर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ऑफिस में नहीं है, शी इज नॉट इन ब्यूरो. मिस अग्रवाल इज सोर साइट मीन्स एट द मोमेंट, अभी फिलहाल इज नॉट इन द ऑफिस. तो क्या लिखते हैं, इम हाउस. ध्यान दो बहुत फॉर्मल है ये, दिस इज द वेरी वेरी फॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग. यहाँ पे इम हाउस मतलब घर पे नहीं, बात हो रही है कि मिस अग्रवाल अभी ऑफिस में नहीं है, वो कल तक, जी इस्ट बिस मॉर्गन, कल तक वो आउट फाइनल फोर्ट बिल्डिंग, वो एक फोर्ट बिल्डिंग में गई हुई है, कल तक वो अवेलेबल नहीं है, शी इज नॉट अवेलेबल टिल टुमोरो, बिस मॉर्गन, समझ गया, बिस मॉर्गन मीन्स टिल टुमोरो. ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूएशन में यहाँ होना चाहिए था, बट थोड़ी टाइपिंग एरर है, समझ गए. सोर्स साइट मीन्स एट द मोमेंट, करंटली, अभी फिलहाल, वो शी इज नॉट इम हाउस, जी इज निस्ट इम हाउस, शी इज नॉट इन ऑफिस, हाउस मतलब यहाँ पे घर नहीं, ब्यूरो, शी इज नॉट अवेलेबल इन द कंपनी टिल टुमारो, शी इज आउफ आइनर फोर्ट बिल्डिंग. फोर्ट बिल्डिंग मीन्स फॉर फर्दर ट्रेनिंग. जब आप किसी प्रोफेशन में होते हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, टीचिंग में हो, कॉरपोरेट में हो, तो आपकी ऑन ऑफिस ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है फॉर फर्दर डेवलपमेंट, फॉर फर्दर इन्हांसमेंट ऑफ द स्किल्स, कुछ आगे सीखने के लिए, जिस भी प्रोफेशन में आप, उस प्रोफेशन में और नई नई स्किल्स सीखने के लिए, ताकि आप और अच्छा कर सको, तो उसको बोलते हैं फोर्ट बिल्डिंग, फोर्ट बिल्डिंग, आगे पढ़ना. बिल्डिंग मीन्स एजुकेशन, फोर्ट मीन्स फर्दर, टू गेट फर्दर एजुकेशन इन योर रिस्पेक्टिव फील्ड. सो ऐसे ही मिस अग्रवाल जो है वो कल तक एक फोर्ट बिल्डिंग में रहेंगी, शी इज नॉट अवेलेबल इन हाउस, शी इज नॉट अवेलेबल इन द ऑफिस.
तो आउफ आइनर फोर्ट बिल्डुंग, ठीक है, याद रहे आउफ आइनर फोर्ट बिल्डुंग। आबर फिलाइस्ट कानिश इनन हेल्फन, बट ही से बट आई मे बी हेल्प यू, आई मे हेल्प यू, मैं शायद आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मुझे बताओ। फिलाइस्ट खानिश इनन हेल्फन, मे बी फिलाइस्ट, मे बी शायद, मे बी आई कैन हेल्प यू। तो वट ही से वो गेट एज देन, अभी फिक्स स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या आएगा वो के साथ, मतलब किस बारे में आप मुझे बात बताओ, वट इज योर कंसर्न, वट डू यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट, किस बारे में आपको बात करनी है। मिस अग्रवाल तो नहीं है आज ऑफिस में, जे स्निस्ट इम हाउस, सो फिलाइस्ट खानिश इनन हेल्फन, मे बी आई कैन हेल्प यू, मुझे बताओ क्या बात है, प्लीज टेल मी, मे बी आई कैन हेल्प यू, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो वट इज इज ऑल अबाउट, किसके बारे में बात करनी है, तो क्या लिखेंगे, वोरूम गेटेस, ये आपने पढ़ा है, वोरूम गेटेस मीन्स वट इट इज ऑल अबाउट, किसके बारे में आपको बात करनी है, ओके, वट इज द टॉपिक, वट इज योर कंसर्न, टेल मी, मे बी आई कैन हेल्प यू, क्या पता मैं आपकी हेल्प कर दूँ, आप मुझे बताओ किस बारे में आपको बात करनी है, क्या टॉपिक है आपका, क्या कंसर्न है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, वोरूम गेटेस देन, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, वोरूम गेटेस देन, ये पूरा एक साथ है, वोरूम गेटेस देन, ओके, वट इट इज ऑल अबाउट, इट्स अ फ्रेज, फिक्स्ड फ्रेज, ऑलवेज ऐसे ही बोलना है, वोरूम गेटेस देन। B1 का जो लेजन करते हैं, आपको पता होगा B1 के लेजन में, रीडिंग सेक्शन में के पेपर में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, वोरूम गेटेस, एक टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट पढ़ के फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है, वोरूम गेटेस, मतलब इस टेक्स्ट में किस बारे में बात हो रही है, वट इज द मेन टॉपिक, ओके, वट इज द मेन कंसर्न, वट इट इज ऑल अबाउट, ये किस बारे में बात कर रहे हैं पैराग्राफ में। तो वैसे यहाँ पे बोलने में भी यूज किए, वट इज योर कंसर्न, वट्स द मैटर, टेल मी, मे बी आई कैन हेल्प यू, फिलाइस्ट खानिश इन एंड हेल्पन, मे बी आई कैन हेल्प यू। सो वट द लेडीज सेइंग, ऑर्डर जी क्योरन, और उसने दूसरा ऑप्शन क्या दिया, ठीक है आपको मुझे नहीं बताना, नो प्रॉब्लम, इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू टेल मी इट्स ओके। ऑर्डर जी क्योरन फिर फ्राउ अग्रवाल आईने हिंटर लासन, और आप एक मिस अग्रवाल के लिए एक मैसेज छोड़ सकते हो, हिंटर लासन मीन्स टू लीव, क्या छोड़ना, आईने ये ब्लैंक में लिखना, आपको क्या बोलेंगे मैसेज को, आप उनके लिए एक मैसेज छोड़ सकते हो, ताकि जब वो आएंगे तो उनको इन्फॉर्म कर देंगे हम, एंड शी कैन कॉन्टैक्ट यू एज अर्ली एज पॉसिबल। सो जी क्योरन फ्योर फ्रा अग्रवाल आईने नाखरिस्ट, नाखरिस्ट मतलब मैसेज, अब नाखरिस्ट का मतलब न्यूज़ भी होता है, तो यहाँ पर न्यूज़ नहीं है, नाखरिस्ट हिंटर लासन, ठीक है, नाखरिस्ट हिंटर लासन मीन्स लीव अ मैसेज, सो यू कैन लीव अ मैसेज, आप मिस अग्रवाल के लिए एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, जब भी वो आएंगी हम उनको मैसेज दे देंगे, ओके आपके लिए कॉल आया था कस्टमर का, और ही और शी वॉन्ट्स टू स्पीक विद यू, प्लीज़ कॉन्टैक्ट हिम और हर, इस तरह से हम आपके लिए मैसेज आप छोड़ दो, हम उनको इन्फॉर्म कर देंगे। सो जी क्योरन आईने नाखरिस्ट हिंटर लासन, जी क्योरन आईने नाखरिस्ट हिंटर लासन, यू कैन लीव अ मैसेज फॉर फ्राउ अग्रवाल, समझ आया आप, इट्स ए कॉन्वर्सेशन, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी ये, हमने देखा यहाँ पे किस तरह से देर इज ए कॉन्वर्सेशन बिटवीन कस्टमर एंड द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, इस तरह से आपको आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए। सो इस स्लाइड से हमने देखा, यू कैन स्पीक, हाउ कैन यू टॉक विथ समवन ऑन टेलीफोन फॉर्मली, इट इज़ वेरी वेरी फॉर्मल जर्मन, स्टैंडर्ड जर्मन, वी हैव यूज जी फॉर्म, हमने यहाँ पे जी फॉर्म को यूज़ किया है, जी फॉर्म मतलब आप, आपको क्या कंसर्न है, आपको किससे बात करनी है, आप मुझे बताओ, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जी फॉर्म हमने यूज़ करी है, डाटिव में भी और नॉमिनेटिव में भी, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, इसी में आगे भी एक और स्लाइड बनाई है मैंने, अब देखो, अब मॉन्टाग इस्ट जी वीडर इरम प्लाट्स, कॉन्वर्सेशन आगे चल रही है, क्या बोल रहे हैं, मंडे से, अब मॉन्टाग मतलब मंडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम मंडे, फ्रॉम मंडे मतलब मंडे से, फ्रॉम मंडे, मंडे ऑनवर्ड्स शी मतलब मिस अग्रवाल दोबारा से अपनी प्लेस पर आ जाएंगी, अपनी सीट पर आ जाएंगी, मंडे से वो अपनी सीट पर आ जाएंगी और अपना काम कंटिन्यू करेंगी, शी विल बी एट हर प्लेस फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, आप मॉन्टाग इस्ट जी वीडर अन इरम प्लाट्स, यहाँ पे क्या अन इरम प्लाट्स एट हर प्लेस उन वीडेश इन, वो अपनी सीट पर आ जाएंगी और डेफिनेटली वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी, इसके लिए स्ट्रक्चर है कॉन्टैक्ट करना, जिशरलिश मतलब पक्का, श्योरली श्योरली शी विल बी इन टच विद यू, शी विल बी इन कॉन्टैक्ट विद यू, ओके, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स शी विल बी एट हर सीट, शी विल ज्वाइन द ऑफिस, अभी वो फोर्ट बिल्डिंग में है, शी इज पार्टिसिपेटिंग, शी इज ऑन अ ट्रेनिंग, ओके,
So she will join up Montag. From Monday onwards, she will be at her place on Iram Platz. So surely she will be in contact with you. She will be in touch with you. She will contact you. कैसे बोलेंगे इसको? In Verbindung Setzen. In Verbindung Setzen. Verbindung Setzen means to be in contact, to be in touch. किसी से contact करना, किसी से correspondence करना, वार्तालाप करना, बातचीत करना. Okay? In Verbindung Setzen. This is fixed structure. इसको आप note करोगे. Okay? In Verbindung Setzen. So लिखा है यहाँ पे Unwed sie sich, sicher le, okay, in Verbindung Setzen. She will contact you. जैसे वो आएंगी आप मैसेज दे दो, मैं मैसेज उन तक पहुँचा दूंगा और वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि मंडे ऑनवर्ड्स वो ज्वाइन करने वाली हैं ऑफिस. ओके, शी विल बी ऑन हर सीट, एट हर सीट, ऑन इरम प्लाट्स. ठीक है, ऑन. नेक्स्ट, इस हट्टे ग्यार आईने यूवर डी गेनावन उन्टरिस्ट साइटन. अब क्या बोला है कस्टमर ने दूसरी साइट से? आई वुड लाइक टू हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जैक्ट क्लास टाइमिंग. तो मतलब ये एक लैंग्वेज कोर्स है, कोई क्लासरूम है, कोई इंस्टीट्यूट में बात हो रही है. ठीक है, स्टूडेंट है और वो बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट में. तो ही सेइंग आई वुड लाइक टू हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जैक्ट क्लास टाइमिंग. मतलब क्लास टाइमिंग को लेकर उसको कुछ इश्यूज हैं. ही इज मे बी ही इज़ ए न्यू स्टूडेंट. ओके, सो ही वुड लाइक टू नो अबाउट द एग्जैक्ट क्लास टाइमिंग. डिगेनाउन उन्टरिस्ट साइटन. तो आई वुड लाइक टू हैव, कैसे बोलते हैं? इश हेट्टे गैर्न. देखो, इश हेट्टे गैर्न ये कौन सी फॉर्म होती है? कात्स्वाय. कात्स्वाय बोलते हैं. इश हेट्टे गैर्न आईने, अब क्या लिख सकते हैं? आई वुड लाइक टू हैव इन्फॉर्मेशन. तो इन्फॉर्मेशन तो एक कॉमन वर्ड है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. सेम स्पेलिंग है, बट वी स्पीक, वी प्रोनाउंस इन्फॉर्मासियोन. बट उसके लिए एक और अनदर वर्ड है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे इन्फॉर्म आउस्कुंफ्ट. क्या है आउस्कुंफ्ट? ASKUNFT. ओके, इश हेट्टे गैर्न आईने आउस्कुंफ्ट. आई वुड लाइक टू हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जैक्ट क्लास टाइमिंग उन्टरिस्ट साइटन. तो उसका कंसर्न क्या है? उसने पूछा था ना वोरूम गेटेस, वट इट इज़ ऑल अबाउट. सो द कंसर्न इज ही वुड लाइक टू हैव द एग्जैक्ट क्लास टाइमिंग. फ्योर कोर्स. अब पर्सन ने क्या रिप्लाई किया? ओके, तो आप मुझे भी बता सकते हो. अब वो क्या कह रहा है? कोई बात नहीं, वो नहीं है सीट पे, मिस अग्रवाल इज नॉट अवेलेबल, शी इज़ नॉट इन द ऑफिस. यू कैन टेल मी, आई एम ऑल्सो लुकिंग आफ्टर द कोर्स प्रोग्राम. मैं भी इस कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, मेरे को भी नॉलेज है. इफ़ यू टेल मी आई कैन ऑल्सो हेल्प यू. सो फ्योर कोर्स, अब यहाँ पे आर्टिकल आएगा. कोर्स आर्टिकल मस्कुलिन है डेयर, तो नाउ फ्योर इज अकुजेटिव प्रपोजिशन, सो डेयर बिकम डेन. फ्योर डेन कोर्स. फॉर दिस कोर्स आई एम टुगेदर, गेमाइंजा मीन्स आई एम टुगेदर किसके साथ? मिस अग्रवाल के साथ. आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. सुस्टेंडिश, सुस्टेंडिश. फ्योर डेन कोर्स बिनिश गेमाइंजा मिट फ्राओ अग्रवाल सुस्टेंडिश. देखो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है. सुस्टेंडिश जाइन फ्योर एटवास. किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, मतलब किसी चीज़ के लिए आपको जिम्मेदारी दी हुई है कि ओके तो इंस्टीट्यूट में आई एम ऑल्सो वर्किंग विद मिस अग्रवाल टुगेदर गेमाइंजाम. ठीक है, सुजामन और गेमाइंजाम सिनोनिम्स हैं, तो यहाँ पे हमने गेमाइंजाम यूज़ किया है. ओके, तो ही सेइंग ओके आई एम ऑल्सो वर्किंग, आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कोर्स अलॉन्ग विद मिस अग्रवाल. मिस अग्रवाल के साथ मैं भी इस कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ. आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोग्राम. सो इफ़ यू टेल मी योर प्रॉब्लम आई कैन हेल्प यू. मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. ठीक है, तो इतनी कॉन्वर्सेशन होगी, समझ आ गया? इतनी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की, और मुझे लगता है कि आपको समझ आ ही रहा होगा. और आप साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे, अपने नोट्स जरूर बनाओ. ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं जनरल, हम जनरल इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं. इसमें हमारी वोकैब है, वर्ड मीनिंग्स, साथ साथ जिसमें वर्ब एडजेक्टिव प्रेपोजिशन हम देख रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है हाउ टू कन्वर्स, हाउ टू टॉक समवन. ओके, कैसे किसी के साथ फ़ोन पे, कॉलिंग पे, टेलीफोनिकली कैसे किसी से बात करनी फॉर्मली, तो ये हम सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हम सीख रहे हैं. अब इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है ये. और अगर आपको राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल्स, यू कैन लर्न दिस स्ट्रक्चर. बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स हमने देखे हैं. वर्ब नाउन कॉम्बिनेशन हमने देखे हैं, जैसे इर फ्रेंड इन, ओके, इन फेरबिंडुंग जेटसन टू कॉन्टैक्ट समवन, और आउस्कुंफ्ट, डी आउस्कुंफ्ट मीन्स इन्फॉर्मासियोन. सिंपल वर्ड में हम बोलते हैं डी इन्फॉर्मासियोन, बट अगर आपको स्टैंडर्ड जर्मन बोलिए, एक अच्छी जर्मन बोलनी है, सो यू कैन यूज़ डी आउस्कुंफ्ट.
चलिए आगे देखते हैं। अब क्या बोला है, जो कंसर्न पर्सन है, जो इंस्टीट्यूट में जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वेन इश रिस्टिश फेस्टांडन म्यूस्टन जी अब मोन्टाक मिडिम स्टार्टन। अब वो बोल रहे हैं कि जहाँ तक मुझे समझ आया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ऐसे बोलते हैं एज लॉन्ग एज आई अंडरस्टैंड, तो कैसे बोलेंगे, वेन इश रिस्टिश फेस्टांडन हाब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे बोलते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू वॉन्ट टू जॉइन द कोर्स फ्रॉम मंडे, यू वॉन्ट टू स्टार्ट द कोर्स फ्रॉम मंडे, करेक्ट। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मंडे से कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, यही आप पूछ रहे। देखो, वेन इज रिस्टिश फेस्टांडन हाब म्यूस्टन जी आप मोन्टा मिडिम कोर्स को, मिडिम कोर्स डेयर कोर्स है, तो मिट आ गया स्टार्टन। सो स्टार्टन वर्ब है अनफांगन बेगिनन स्टार्टन, फिक्स प्रपोर्शन होते हैं मिट। सो अगर मैं गलत नहीं समझ रहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो यू वॉन्ट टू स्टार्ट द कोर्स फ्रॉम मंडे, आप मोन्टा फ्रॉम मंडे रिस्टिश, करेक्ट, ऐसे ही है। तो रिप्लाई कीजिए या द स्टेम्ड डांक, यस इट्स करेक्ट, थैंक यू। तो ये हमने कॉन्वर्सेशन देखी, आप दोबारा से इस पूरी वीडियो को देखना और मुझे अपना फीडबैक जरूर देना, हाउ डू यू फाइंड दिस क्लास, और लाइक करना, चैनल को शेयर कर दो, और पुरानी जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में जाके व्हाट्सएप्स वाली वीडियोस जरूर देखना, उसकी मैं सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ, काफ़ी सारी वीडियोस बनी है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा, अब तक की जो पुरानी जो इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप्स की क्लासेस हुई हैं उनको आप एक एक करके जरूर देखना। तो आई होप यू एन्जॉयड दिस क्लास एंड यू विल गेट लॉट ऑफ गुड नॉलेज आफ्टर वॉचिंग द क्लास। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, आउट फॉर सेफ।